हेलो गाइस, मेरा नाम ब्रिजेश, स्वागत है का ब्रिजेश टेक यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस यार, मैं आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप ई श्रम कार्ड में जो कि पैसा आपकी गवर्नमेंट द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, आप उसे आसानी कैसे चेक करोगे। तो गाइस यार, आपको सिंपली कोई भी अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद क्या करना होगा कि आपको अपने ब्राउजर पर सर्च कर देना होगा PFMS। तो गाइस, जैसे ही आप PFMS लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आप सर्च करोगे तो क्या होगा कि आपके सामने एक न्यू गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल जो कि है खुल के आ जाएगा। तो गाइस, मैं इसका पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका पैसा आया है कि नहीं। तो गाइस, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो ट्रांसफरिंग सब्सिडीज डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू देयर बैंक्स पोस्ट ऑफिस अकाउंट इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इट एम टू टाइमली ट्रांसफर टू अ बेनिफिट। तो गाइस यार, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इस ये जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है और यहाँ पे सभी श्रमिकों के खाता में या फिर कोई भी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसा या सब्सिडी ट्रांसफर किया जाता है वो इसी वेबसाइट के जरिए आप देख सकते हो। तो गाइस यार, आपको क्या करना होगा कि आप पहले वाले वेबसाइट पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। PFMS जो है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यार, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पूरा जो कि डाटा यहाँ पे देख सकते हो, टू डे ट्रांजेक्शन। तो गाइस, यहाँ पे आज का ट्रांजेक्शन जो हुआ ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अपना कैसे चेक कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे नो योर पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिख सकता होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक बार इस पर क्लिक कर देना होगा, नो योर पेमेंट के वाले ऑप्शन। तो गाइस यार, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली क्या करना होगा, अपना बैंक जो भी आपका बैंक हो यहाँ पे आपको लिख देना होगा। आप जैसे ही आप कुछ मतलब जो भी बैंक होगा तो आप लिखते हो, तो आप क्या कहता है कि आप अपना बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो, अपना अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर डाल के और एक कैप्चा को फिलअप कर सकते हो। तो गाइस यार, आप चाहो तो आप कैप्चा को मतलब जैसे कोड नहीं समझ में, तो इसको दोबारा से आप प्रेजेंट कर सकते हो और उसको यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन करने के बाद सेंड OTP जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर रजिस्टर होगा उस पर OTP जाएगा और OTP जाने के बाद एक अलग से इंटरफेस खुल के आ जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं ट्रांसफर हुए हैं। तो गाइस, बीच में अच्छी लगी वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सबके साथ।